माशाल्लाह अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है फ़िश के हवाले से, क्योंकि आपको पता है विंटर का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हम लोग आज जो आपको सिखा रहे हैं वो है फ्राई फ़िश। और फ्राई फ़िश की रेसिपी क्या है, ये कैसे मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी, क्योंकि फ़िश जो सी है वो सबको पसंद होती है। और अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इवन ये भी कहा जाता है कि अगर हमें इसके जो रियल बेनिफिट्स हैं, जो इतने ज़्यादा इसके फ़वाद हैं, अगर हमें उनका पता चल जाए तो हम लोग बाकी तमाम सारी चीज़ें, मतलब मीट, चिकन, सब कुछ लीव कर दें और जस्ट हम लोग ये जो फ़िश है यही खाएँ। तो फिर अब हम लोग आज की जो सी रेसिपी है उसको शुरू करते हैं और जानते हैं जो सी मज़ेदार सी, जिसके इतने बेनिफिट्स हैं और जो मतलब हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है ये रेसिपी फ़िश की, वो कैसे तैयार होगी। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा मैंने ना तकरीबन पूरी चमची दादरी मिर्च की ले ली है, आधी चम्मच पिसी हुई, ठीक है, आधा चम्मच गर्म मसाले का, ये एक चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, थोड़ा सा नमक लिया आधे से भी कम चम्मच, ठीक है, क्योंकि मछली को लगा हुआ था ना नमक, पहले दुकान से लेके आए थे ना, वो लगा के देती है नमक, तो ठीक है। ये गरम मसाला आधा चम्मच, ये ज़ीरा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये है ना जो ये रंग, ये मैंने रखा है वो अजवाइन, ये देखें अजवाइन बारीक सी होती है, ठीक है, इससे ना जायका अच्छा हो जाता है अजवाइन से, तो मैंने पीसी नहीं, साबुत ही डाल रही हूँ अजवाइन, ठीक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब ये है, मैंने ना नींबू का रस निकाल लिया था, ठीक है, अब ये सब चीज़ें ना मैं आपको बताती हूँ ऐसे, ठीक है। तो मतलब सारे मसाले हमने आपको बता दिए कौन कौन से मसाले लगने हैं, ठीक है, तो उनकी मिकदार भी आपको हम लोगों ने बता दी है, तो आप लोग उसके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। ये पूरी एक मछली है साबुत, ठीक है, तो ये देखिए अब कितनी इसकी हमें अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, लेकिन मिक्सिंग करते भी केयरफुल, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं तो वो आपको लगना चाहिए। मैंने अच्छी तरह धोई थी ना, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये ना लगा के पहले रखना है मसाला, ठीक है, मतलब मैगिनेशन करनी है। हाँ जी, ये नहीं कि आप उसी वक्त लगाया तो ताले, तो ये रच जाए ना मसाला जरा अच्छी तरह। हाँ हाँ, मतलब आपने खुद भी अगर इवन खानी है, मतलब शाम में बनानी है या जब दो तीन घंटे लगा लें या एक दिन पहले लगा लें आप, कि मैं तो ये करती होती हूँ कि लगा के ना फ्रीज भी कर लेती हूँ, ये ना कि हाँ जी कि ज्यादा हो ना तो फिर फ्रीज कर लें आप लगा के मसाला, तो फिर ये है ना कि निकाल लो तो फिर एक दिन पहले निकाल मतलब ले आप। इसकी हम लोग जो फिर जो कोटिंग करेंगे इसको, मतलब किसकी करेंगे कोटिंग, इसको फ्राई करना है ना हमने। हाँ, इसके ऊपर अपना वो क्या कहते हैं, बेसन भी लगा सकते हैं आप, वैसे भी तल सकते हैं, ठीक है, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही, खट्टी खट्टी सी नींबू की वजह से। हाँ जी, और जो मसाले वो भी हम लोगों ने, अच्छा ये जरा सी हीक नहीं आती, हम लोग पकाते हैं ना अपने घर में तो जरा सी हीक नहीं आती, ये ना देखें अब अच्छी तरह ये मसाला लग गया, अब ये ना मैं ना फ्रिज में रखूंगी एक दिन फिर तलूंगी मैं, ठीक है, मतलब हम लोग इसको वन डे के लिए इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं। हाँ। मैगिनेशन करके, क्योंकि हमें ज्यादा इसका अच्छा टेस्ट चाहिए, एक रात के लिए रखूंगी ना इसे, एक रात के लिए, ठीक है, ओवरनाइट। हाँ, हमने इसको लेफ्ट करना है कि जो हम लोगों ने मसाले लगाए हैं इसी तरह से इसके अंदर रच जाए। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और हमारी आज की जो सी सर्दियों की सुगात मछली है विंटर की, जो हम लोग आपको सुखा रहे हैं कि विंटर में मोमेंट जो फिश बनाई जाती है और फ्राई फिश, तो जी मैंने इतने इतने पीस करवाए हैं, बाकी अपनी मर्जी से आप ज़्यादा बड़े करवा सकते, छोटे तो नहीं बोते कराने चाहिए क्योंकि कांटे होते हैं ना इसमें, मैंने इतने इतने बड़े करवाए हैं, ठीक है, तो वैसे भी फ्राई फिश शिलिंग हो जाना है इसमें। तो व्यूअर्स, हम लोग वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं मज़ेदार जो फ्राई फिश की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी।
जी तो व्यूअर, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने जो फिश है इसको मैरिनेट करके रख देना है, तो हम लोगों ने इसको मैरिनेशन करने के बाद रख दिया था। तो अब तकरीबन काफ़ी अच्छी ये मैरिनेट हो चुकी है, तो इसके बाद अब मोमोज को क्या हम फ्राई करेंगे? हाँ जी, इधर आ जाएं आप। ठीक है, तो हम लोगों ने घी जो सा है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसको फ्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर कुकिंग ऑयल जो सा है वो गर्म कर लिया है। ज़्यादा नहीं डालने और फूट जाने के तो फिर जब हम लोगों ने इसका जो सी फिश है वो फ्राई होने के लिए डाल दी है, घी को हम लोगों ने जो सा गर्म कर लिया था मुनासिब सी आंच पर, और बहुत ज़्यादा भी घी गर्म नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो सी आपकी चीज़ है वो सही तरह से फ्राई नहीं होगी, चाहे आपने कुछ भी फ्राई करना, चिकन हो, फिश हो, टैवर्स हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें, उसके बाद आप इस अंदर जो भी चीज़ आपने फ्राई करनी हो शामिल करें। तो हम लोगों ने फिश जो सी है वो डाल दी है, क्योंकि फिश बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, और अब हम लोगों ने इसको डाल दिया है। अब बहुत ही सॉफ्ट हैंडली हम लोग सॉफ्ट हैंड से इसको मतलब पलटेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आ रही है। गर्मा गर्म जहाँ फिश बन रही हो तो सर्दियों के दिनों में खास तौर पर तो वैसे ही मुँह में पानी आ जाता है। अब हम लोगों ने इसकी साइड को जो होता है वो पलट दिया, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आ गया है, क्योंकि जितनी अच्छी आप लोगों ने मैरिनेट की होगी उतनी टेस्ट में भी अच्छी होगी, और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ए, सुबह से लगा के शाम को तलने लगे हैं, तो अब ये अच्छी तरह मसाला भी रख लिया होगा ना इसमें। जी, कि मैरिनेशन करने का मकसद ये होता है कि अच्छी तरह से जो सी स्पाइसी है वो उसके रस बस जाए और जो टेस्ट है वो अच्छा सा डिवेल्प हो जाए। अब ये होगी क्या हमारी? नहीं, अभी थोड़ी सी अभी थोड़ी सी कसर है। तो व्यूअर्स, जो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो उसके फ्राइड फिश की रेसिपी है वो पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देगा कि आपको इस तरह की मुझे अच्छी अच्छी जो रेसिपीज और नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ जी, निकालने लगे आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी पीस नहीं टूटे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत देख लें माशाल्लाह उम्दा आ गया है कि देखकर मुंह में पानी आ जाए। तो फिर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक देखिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड फिश की रेसिपी हमें शेयर की आपको कैसी लगती है। हाँ जी, ये मैंने दूसरी दफ़ा डाल दी है, डाल रही है तेज़ घी, तेल में गरम में डालनी है, ठंडे में बिल्कुल नहीं डालनी। बस अभी उल्टानी नहीं है, ऐसे अच्छी तरह पकने देनी है, फिर बदलेंगे इसकी सैर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों से मामा ने भी शेयर किया है कि आप लोगों ने इसको हाफ जब तक मतलब ये डन नहीं हो जाएगी तब तक इसकी साइड को नहीं पलटना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको स्टेज पे पलट दिया तो ये जो फिश है ये टूट जाएगी और फिर बहुत सा बड़ा ब्लंडर हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने इसको पहले हाफ कुक कर लेना और उसके बाद इसकी साइड को आपने चेंज करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हमारी जो सी फिश है फ्राई हो गई है, तो अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं। माशाल्लाह, चले आप आए इधर आके ना दिखा दें। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार सी जो सी हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ फिश की रेसिपी शेयर की है, फ्राई फिश की रेसिपी ये तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार हुई है और बिल्कुल भी नहीं टूटी, और जिसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है आज हम लोगों ने आपका फिश फ्राई फिश की रेसिपी शेयर की पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें,
इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।